तो कैसे हैं आप सब? फाइनली मैं कोरोना से ठीक हो चुका हूं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया। कई सारे कमीने दोस्त भी थे जिन्होंने फ़ोन कर के मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन उसी परेशानी की वजह से मैं आज ठीक हो चुका हूं। सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं अपने वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। तो कोविड में अगर आप बीमार हो तो जो घर पे हम काढ़ा बनाते हैं वो काढ़ा कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड होती है, सो वो सब चीज़ों के रिलेटेड ये वीडियो है। मैंने कई सारे दिन ये काढ़ा पिया है और इसी की वजह से शायद मैं ठीक हुआ हूँ। चलिए चेक करते हैं, बहुत अच्छा काढ़ा जो आयुर्वेदिक है और आपके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। ओके, चलिए। सो फ्रेंड्स, काढ़ा बनाने के लिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे घर के सामने गार्डन है, वहाँ पर हमने कुछ पौधे उगाए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है फुदीना। फुदीना सबसे ज़रूरी है काढ़ा बनाने के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है तुलसी के पत्ते। तो हम कुछ तुलसी के पत्ते भी इसमें ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बड़े बड़े पत्ते तुलसी के ले रहे हैं। सो तुलसी के पत्ते कलेक्ट होने के बाद अभी हम हमारे किचन में आ चुके हैं और किचन में आप देख सकते हो अदरक हमने छीला हुआ डाला है। उसके बाद फुदीना, तुलसी के पत्ते, ब्लैक पेपर, अजमा, इतनी इंग्रेडिएंट्स की हमको ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं काढ़ा बनाने की प्रोसेस। तो एक पतीले में 3 से 4 ग्लास आपको पानी डालना है। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप पानी कम ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। पानी डालने के बाद हम उसमें जो हमारे पत्ते लिए हुए हमने, जो कि फुदीना है, तुलसी के पत्ते हैं, वो सब हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है, लाइक अजमा हमारे पास है, उसके बाद ब्लैक पेपर हमारे पास यानी कि तीखा है हमारे पास, तो वो हम ऐड करेंगे। सो ये दो चीज़ हमने ऐड की। उसके बाद थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, जिसको गुजराती में लविंग बोलते हैं। सो लौंग की 3 से 4 कलियाँ हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे जिंजर यानी कि आदू। सो जितना ज़्यादा आप जिंजर ऐड करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको टेस्ट आएगा। थोड़ा सा नमक एज़ पर योर टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हो। और इसको कम से कम 30 मिनट तक उबालना है, क्योंकि जितना आप बढ़िया से उबालेंगे उतना ही इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और ये जो इन्ग्रीडियंट्स हमने डाले हैं वो भी इसमें प्रॉपरली घुल जाएंगे। सो एटलीस्ट 30 मिनट तक इसको उबालना है। सो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है और आप क्वांटिटी दे सकते हो। हमने 4 ग्लास लिए थे, अभी मेरे ख्याल से 2.5 से 3 ग्लास ही बचा होगा। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है और जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे वो प्रॉपरली इसमें घुल चुके हैं। अभी इसको ग्लास में डाल के प्रिपेयर करते हैं। सो आप इसमें नमक जो है अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो नींबू है वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मुझे थोड़ा खट्टा पसंद है तो मैं इसमें पूरा 1 नींबू ऐड करता हूँ। सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, अब बारी है काढ़ा डालने की। तो काढ़ा डाल दिया है हमने और आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। Cheers.